बीजेपी से तो बात कर लें, तीनों राज्यों में उनकी बात हो रही है, उनके प्रवक्ता, थोड़ा सा ऑडियो कनेक्शन में दिक्कत आई थी, राजीव जेटली, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल ये पूछा था कि भाई सुबह तो मायूसी से शुरू हुई, कुछ अब फिर से सांस आने लगी है क्या? आपकी सुबह उत्साहित तरीके से शुरू हुई, उत्साह के साथ लबरेज दिख रहे थे, पर अब ये जो आंकड़े, और खास त्रिपुरा से शुरू करता हूं, 22 का था जब आप जुड़े थे, खैर अभी 27 पर जा रहा है, 31 का है बहुमत का आंकड़ा, थोड़ी सांसें अटक रही हैं क्या त्रिपुरा में? देखिए संदीप जी, तीनों ही राज्यों के अंदर अगर आप अगर गौर करें ना, तो अकेली एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने अपने प्रचार के दौरान केवल विकास 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 और शांति की बात करी, और सभी राजनीतिक पार्टियों का आप डेटा उठा करके देख लीजिए, राहुल गांधी जी की शिलोंग में रैली हुई, जितना जहर घोल सकते थे वो उन्होंने उतना जहर घोलने की कोशिश करी, वो भी धर्म के आधार पर। त्रिपुरा के अंदर जब ये बात करते हैं तो भी ये बात कर रहे हैं वहां पर जातीय भेदभाव की, वहां पर भी ये कहीं ना कहीं डिवीजन पैदा कर रहे हो। खैर त्रिपुरा के अंदर तो आपने देखा कांग्रेस, और आप ही को मैं सुन रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट ने जो है मिल करके वहां चुनाव लड़ा। आप देखिए आप क्या जवाब देंगे केरल की जनता को, और क्या जवाब देंगे आप त्रिपुरा की जनता को, क्योंकि दो ये तो आप मेघालय की जनता को भी, एक मिनट राजीव, जब इनसे पूछते हैं खुद से भी सवाल पूछेंगे, मेघालय में कौन रहा, संगमा पर भ्रष्टाचार के आरोप आप लगातार लगाते रहे, पर अब सरकार बनाएंगे ना उनके साथ, तो आप अपनी विचारधारा को भी थोड़ा सा गिरेबान में झांक के देखिए। मैं, हम तो कहते ही हैं कि जब कोई भी चाहे हमारा अलायंस पार्टनर है, जो हमारी राजनीतिक पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, अगर कहीं कोई कमी या किसी तरीके का भ्रष्टाचार या करप्शन नजर आता है तो उस आवाज को उठाने हमारा दायित्व है। तो भ्रष्टाचार करने वाली सरकार के हिस्सेदार बन जाएंगे, उसे सरकार बनाने में सहायता करेंगे। हमने तो कहा था कि जिस बात को लेकर के भ्रष्टाचार कहा जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, और चुनावों के दौरान ये बात भी आई थी कि सेंट्रल एजेंसी अगर इसकी जांच करती है तो ज्यादा बेहतर है, तो वो जो जो जांच की बात की जा रही है वो जांच करवाई जाएगी। लेकिन जो मूल मुद्दा था, मैं उससे नहीं अलग हटूंगा, मूल मुद्दा ये था कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रचार देखिए, हमारा प्रचार डेवलपमेंट बेस्ड था, हमारा प्रचार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बेस्ड था। हमारे प्रचार में हमने ये कहा था कि हमने क्या करके दिखाया है, हमने कहा था ये भी कि अगर सेंटर की योजनाओं को नॉर्थ ईस्ट में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं पहुंचने देती है, बैरियर लगाती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ आपको देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां पहुंच सके। हमने ये भी कहा था कि आज जो देश है, जो नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति है, वो आज भारतीय समझता है, भारतीय मानता है अपने आप को, जो डिफरेंसेस पैदा करके 70 साल तक रखे वो दीवार भी हमने तोड़ने का काम किया, पूरी तरह से नहीं तोड़ पाए लेकिन वो बहुत जल्दी एक विकास के माध्यम से ही तोड़ी जाती है। नहीं, दीवार तो दीवार क्या, किला आपने तोड़ा था वाम खेमे का त्रिपुरा में, पर अभी आप बहुमत के आंकड़े से दूर हैं, तो ये प्रद्योत बर्मन जिनकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं उनके संपर्क में हैं, वो काफ़ी नाराज गुस्सा होकर कि सम्मान नहीं दिया बीजेपी ने, अपनी पार्टी बनाकर मैदान में आ गए थे। देखिए ये सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये तो हमारे संविधान के अंदर ऑप्शन दिया गया है, कोई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है तो बना सकता है, और किस लेवल का सम्मान चाहता है ये आकलन करना मुझे लगता है किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर जो मूल मुद्दा है वो ये है, हमने देखा, देखिए मैं राजीव रंजन जी राजा का समर्थन लेंगे कि नहीं लेंगे अगर बहुमत का आंकड़ा अपने बलबूते नहीं छू पाते। देखिए सरकार तो आप देखिए संदीप जी, तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की होगी, और तीनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार। अच्छा, ये जब आप कहते हैं राजीव भाई, बुरा ना मानिएगा, आप ये जो कहते हैं ना तीनों जगह बीजेपी की सरकार बनेगी, अरे भाई नागालैंड में एनडीपीपी नेफोरियो की सरकार बन रही है, आप उसमें साझेदार हैं, मेघालय में भी कॉनराड संगमा की सरकार है, आप उसमें जूनियर पार्टनर, 8 सीट, 8 नहीं आएगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एनडीए का मतलब ये है, हमारा उद्देश्य ये है, जिस उद्देश्य को कोई भी राजनीतिक पार्टी 70 सालों से पूरा नहीं कर पाई हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। राजीव रंजन जी लंबा वक्त मेघालय में भी और त्रिपुरा में भी और बाकी जगहों पर भी होकर के आए हैं, मुझे लगता है आपको ज्यादा बेहतर एहसास आप द रिकॉर्ड बता देंगे कि जिन वजहों से मेघालय या नॉर्थ ईस्ट को इस देश से दूर करके रखा गया, उन सभी वजहों को हमने तोड़ दिया है। डेवलपमेंट इसलिए नहीं किया जाता था वहां पर कि अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट होगा तो उससे चीन नाराज हो जाएगा। बताइए चीन की नाराजगी की वजहों से हमारे देश के नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वो अधिकार उनको देने का काम, और आप ही के, एक मिनट राजीव भाई, आप ही के अरुणाचल से सांसद, वो कहते हैं चीन अंदर घुस गया 70 किलोमीटर तक,
उसने गांव बसा दिया, न जाने क्या क्या वो आरोप लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, चीन को सबक आपने सिखाया, बाकी सब चीन परस्ती में लगे हुए थे। नहीं, हमने चीन को सबक नहीं सिखाया। मैंने आपसे क्या बताया, आप थोड़ा गौर कीजिए मेरी बात की तरफ। हाँ। कि चीन को खुश करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों के अधिकारों का हनन करना, ये राजनीतिक पार्टियों की नीति। चीन को खुश नहीं कर रहे गलवान में। एक मिनट राजीव भाई, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।